पूरे देश में चांद की सतह पर चंद्रयान के लैंडिंग की जिस वक्त बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने को बेचैन पूरा देश था, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी खबर फैला दी। दिग्विजय सिंह ने कह डाला कि जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन को सफल बनाया उनको पिछले 17 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। पीएम मोदी इस पर ध्यान दें। दिग्विजय सिंह के इस फर्जी खबर के चलते सियासत गर्म आ गई है। देश की जनता नाराज है जिस खबर को पहले ही झूठा बता दिया गया था। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर महज सुर्खियां बटोरने के लिए ये खबर फैलाई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को भारत से ही नफरत है। हालांकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने हाल ही में इस दावे का खंडन किया। पीआईबी ने बताया था कि इसरो के वैज्ञानिकों को हर महीने के अंत में सैलरी मिलती है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अखबारों में रिपोर्ट्स हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन बनाया उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि जिस दिन इसरो भारत को गौरवान्वित करने जा रहा है उस दिन दिग्विजय सिंह ने फर्जी खबरें फैलाने का काम किया। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, लेकिन भारत से और ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा भारत कभी कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब भारत चंद्रयान 3 का जश्न मना रहा है तब कांग्रेस रो विलाप कर रही है। 16 अगस्त को ही इसरो ने राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला के दावे को खारिज किया था। एक कार्यक्रम के दौरान पूनावाला ने दावा किया था कि इसरो के वैज्ञानिकों को बीते 3 सालों से सैलरी नहीं मिली। इसरो ने इस दावे को गलत बताया था और कहा था कि हर महीने के अंत में वैज्ञानिकों को सैलरी मिलती है। दिग्विजय सिंह के दावे पर एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हर किसी को चंद्रयान 3 और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। बीजेपी के नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।